एक 4 किलो का दाना है, ऐसा जी समुद्र की मच्छी है जी। बाप मच्छी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं मम्मा दा मेन जिस तरह के तुहाडे भैन भरावां दी बदौलत 3 दिन लंगर पकदा, हफ्ता त्वार पीर 250-300 बंदे का, 200-250 बंदे का। इहदे च तुसी मेरे भैन भरा 10 तों 15 जी आए ने जिहड़े सावन करदे ने, ते लंगर पकाना दुआ दे सकदे उहनां नूं अल्लाह ताला इन्ना क दे के थोड़ ना है। तो विचों चंद दोस्त पिछे हटे ने जिन्हों की पिछे हटन की वजह ज़ाहिर जी बैलेंस तो आउट होंगे, थोड़ा कुछ बैलेंस आउट हो गया, कुछ महंगाई कुछ परेशानी, अल्लाह ताला उन्हां दियां परेशानियां दूर करे, वो दोबारा इस लंगर से अटैच हो जाए। तो चंद दोस्तों ने मैसेज किया, फोन किया, मीन भाई तुसी खाने बड़े मुख्तलिफ किस्म के पकाते हो, साडा कुकिंग का काम है, तुसी पुराना चैनल अपना बनाओ यूट्यूब के उपर जो बनाया तो उन्होंने दोबारा बनाओ। तो मैं हम दोबारा नवीं रैसपियां बनानियां शुरू कीतियां ने यूट्यूब फेसबुक से, उन्होंने देखो अज की बना रहे हैं जी। अज बांप फ्राई, बांप की मच्छी बनती किमें, फ्राई किमें होंगी वो तुम दसीए। साढ़े को एक 4 किलो का दाना है, 200 ग्राम लसन है, 150 ग्राम अदरक है, 1 पाइया नींबू ने, मिर्च है, हल्दी है, अंब चूरन पाउडर है, थोड़ा मिर्च है, काली मिर्च है, जवैन है, ये मच्छी मसाला है। यदा सारा तरीकेकार की है, इस करके दाना साबित लियाना मैं कि तुहानू दसा कि मच्छी किस तरह बनती है, पकती किस तरह, वह तरीकेकार की है। मैं तुहानू सारा कुछ दसना, सब तो पहले मसाले बनाइए, मच्छी की तैयारी करिए, अल्लाह की जात तुहानू बहुत दे आमीन। ऐसा जी समुंदर की मच्छी है जी, ये स्मैल बहुत होती है, यदि सब तो मेन काम है स्मैल करना, तो कंडा मोटा होंगे बच्चों से बहुत अच्छी होंगी है। ये मैं पहले पल्ले लावगा, देखो ये जी फ्राई वास्ते बहुत अच्छी चीज है, कंडे ये वे होंगे ने, तो तुम इन फ्राई करो मुकम्मल तरीके का दसागा, कोशिश करो दुकान तो ले आओ, अगर कोई मेरा भैन भरा नहीं बना सकता वो दुकान तो लै पे। बाकी मैसेज कर रहे हैं लंगर का काम करना, एक चैनल लंगर वास्ते बनाया देसी किचन विद अमीन लंगर का चैनल, उन्होंने लाइक करो सबसक्राइब करो। अगर तुम मेरी माली इमदाद नहीं कर सकते, मैं छोटिया छोटिया रेसिपियां बना रहे हैं, तुम उस चैनल में लाइक करो सबसक्राइब करो शेयर करो फॉलो करो सब कुछ करो, तो लंगर के बच्चे सब आओ, अल्लाह तुहाडी खैर करे आमीन। इतनी कर रहे जी तुसी, बाकी अपने बर्तन के हिसाब ना करो, बाजार चो जी ये नमक वाली मिल जाती है, नमक लगा है मुकम्मल मिल जाती है। चला देखे किन्नी साफ मच्छी है, अजे धोती नहीं, अजे धोनी है बनानी है, मसल जिस बंदे नूं पहचान है वह लिया सकता है। मेरिया बीबिया भैन घर ट्राई ना करन कि उन्होंने कभी खाली नहीं लथनी, वो बनिया बनाइया लिया। अच्छा जी सब तो पहले लावांगे असीं हल्का जिहा निमक, ज़्यादा नहीं लाऊं, उस तो बाद लावांगे जी हल्के एक 2-3 चम्मच जवैन, हल्दी लावांगे सिर्फ 10 तों 15 मिनट वास्ते लाना सारा कुछ, नींबू लावांगे जी 2-3 अदद नींबू हो गए, इन्हों असी अच्छे तरीके मलना है, तो निमक जीरा बिच रच जाए, हल्दी बिच रच जाए, जवैन ये नाल लग जाए, हाथ से कंडा नहीं लवाना बिल्कुल तैयार ना, घट्ट तो घट 15-20 मिनट इन असी हूँ रखना है। अगर तुम 1-2 दिन रख सकते हो फिर भी बेहतर है, मगर ये ताज़ा मच्छी है, अल्लाह तुहाडी खैर करे जी। 10-15 मिनट बाद तुहानू असी दस रहे हैं इहदा तरीकेकार। अच्छा जी माशाला इनू चंगी तरह अच्छे तरीके धोना कि इनू चखना है कि निमक तो नहीं है बिच, मुकम्मल इनू धो के इनू कपड़े नाल खुश करना, फिर मसाला दसना साढ़े कोल मली मच्छी है।
माशाला इन अस बनावे हांडी वाली माशाला रेसिपी दो चौंदर की करे मली की भी सुटा धोन तो बाद तो दस ने मसाला लाना। अच्छा जी असी दो तुरियां अदरक दियां सी दो तुरियां अदरक तो बाद लसन अदरक पेस्ट उहदा बना लिया हरी मिर्च सब तो पहले चीज पानी है नींबू पाने ने दो तो तीन अदरक साबत नींबू दे नाल मच्छी का एक फ्लेवर बन जाता है मसाला रच जाता है। उस तो बाद असी इन अच्छी तरीके मलांगे बाकी भी तुहानू दस रहे जी तरीके कर रहे की है इन्हें असी मल लाँगे लसन का पानी जिहड़ा ना लसन वगैरह इहदे विच जज़ब हो जाए। हुण असी अलहदा मसाला बनाना है दोबारा वो तुहानू असी दसांगे किस तरह लाना है। अच्छा जी तुसी एक चम्मच हल्दी का एक चम्मच तो दो तो चम्मच पाने ने थोड़ा मिर्च थोड़ा मिर्च लैदा दो चम्मच पाने ने लाल मिर्च लैदा पानी है यह साडे कोल अंब चूरन पाउडर है यह मच्छी का मसाला है असी अपनी पैकिंग बनाई है कि अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सेहत जी वड्डे भरा का होटल है जवैन पाई एक चम्मच असी दो चम्मच अंब चूरन पाउडर है यह पाना है जिहड़ा अदरक लसन वाला पेस्ट है वह तुसीं पा देना फिर मसाला बनाना पहले उस तो बाद तुहानूं दस रहे अजाना हो लैन जी अजान तो बाद नमाज तो बाद तुहानूं मसाला भी दस देने अल्लाह खैर जी। अदरक लसन के पानी ना 15-20 मिनट अद्धा घंटा भी लग गया मसाला भी साडा तैयार हो गया इहनूं अच्छी तरीके नाल मसाला लाना नप के पर कंडा नहीं हथ च मरवा लैना देख लैना मेरिया बीबिया भैन जिहड़ियां मेरे यार सज्जन भैन भरा देखते हैं कोशिश करें बाप मच्छी है अनकरीब तुहानूं मैं अगे रहूँ सोल वगैरह की सुटी रैसपी अजकल मच्छी फार्म ही आती है यह हैगी समुंदर की इन्हें मैं घट तो घट 24 घंटे रखना है इन्ना टाइम रखोगे उन्ना मसाला जज़ब होएगा खाने का मज़ा आएगा पकाने का मज़ा आएगा मैं रखांगा इन्हें 24 घंटे क्यों ये कराची की मच्छी है समुंदर की मच्छी है स्मैल बड़ी कढ़नी पैंदी लसन अदरक के पेस्ट नाल धो के बाकी पूरा प्रोसीजर मैं तुहानूं दस दिता है बस अल्लाह की ज़ात तुहाडी खैर करे सब जी। माशाल्लाह मच्छी नूं 24 घंटे रखे मैं इस मच्छी नूं बांप नूं हुण की करना जी असी एक प्याली बेसन की लैनी है हल्का या तुसीं विच मैदा भी पा सकते हो आला रोड भी थोड़ा जहा जीरा पा लिया हसबे जैका से इन्हू निमक पाना से अच्छे तरीके हल करना बहुता पतला भी नहीं करना बहुत संघना भी ना हो बाकी तरीके कार मैं दसना इधर घ्यो रख दिता कढ़ाई से माशाला बांप मच्छी है सर्दियाँ आ गई ने बच्चों वास्ते मुख्तलिफ रेसिपियां बना रहे हैं ये असं हम दो कप पानी का पावे अच्छे तरीके हल करा उन्नी देर साडा घ्यो तैयार हो जाता है करीब असी आला रोड कॉर्न फ्लोर कहते हैं जिस तरह पंजाबी दे असी दो चम्मच पा देने ये थोड़ा मच्छी के उत्ते क्रंच आ जाएगा इनू फिर हल करना चंगे तरीके हल करना दाने पैरें खत्म हो जा उन्नी देर घ्यो गर्म होएगा जी हर किस्म की रेसिपी दिखावे दसागा मैं अपन भैन भरावान बस दरखास्त है भाई ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਾੜਾ ਬੇਸਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਪਤਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਲਾ ਨਾ ਗਾੜਾ माशाल्लाह सर्दियां आ गई ने
आप खाओ, अपने भैन भरावान खवाओ, मेरे नूं खवाओ, माँ बाप नूं खवाओ जी रेसिपियां। तो बस तुहाडी मेहरबानी है, तुसीं मेरे चैनल नूं लाइक सबसक्राइब करो। खुश रहो। चौबी घंटे बाद तैयार की थी माशाल्लाह जी। दो दिन निमक लाया इनू, बाकी फिर दुआ हुई है खाने वाले की खैर, वेखन वाले की खैर, लाइक सबसक्राइब करने वाले की खैर, देने वाले की खैर, पकाने वाले की खैर, अल्लाह सब की खैर जी। देसी किचन विद मेन चैनल में लाइक सबसक्राइब करो ते लंगर जी शामिल हो जाओ। अल्लाह थोड़ी खैर करे, जीने वास्ते रहे जी, खुश रहें, अल्लाह खैर जी।